पर आया है। बता दें आपको शैडो कलेक्टर कबीरधाम से चुने गए हैं अभिषेक। तो कबीरधाम से बने अभिषेक पांडे शैडो कलेक्टर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से। इस तरीके से छात्राओं को यहां पे चिन्हित किया गया था, कई राउंड कई चरणों के बाद 27 होनहार यहां पे सिलेक्ट किए गए थे। एक दिन के डीएम बने थे, प्रतियोगिता हुई थी, तो उसी में से कबीरधाम से अभिषेक पांडे विजेता हुए हैं। तो शैडो कलेक्टर बने हैं अभिषेक पांडे। तो शैडो कलेक्टर प्रतियोगिता में अभिषेक पांडे कबीरधाम से चुने गए हैं। तो प्रदेश के 27 जिलों को जो शैडो कलेक्टर मिले थे, तो बता दें आपको 12 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा अभिषेक पांडे को। तो ये विजेता हुए हैं अभिषेक पांडे, मुख्यमंत्री 12 जनवरी को सम्मानित करेंगे। उनके कार्यकाल को लेकर एक दिन का जो मौका मिला था, एक दिन डीएम बनने का जो मौका मिला था, उसके मद्देनजर उनके कार्यकाल को देखते हुए प्रतियोगिता में विजय हुए हैं अभिषेक पांडे। तो अभिषेक पांडे कबीरधाम से चुने गए हैं। तो बता दें आपको संदीप कुमार कांकेर से विजेता बने हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है, कई विजेता यहां पर चुने गए। शैडो कलेक्टर प्रतियोगिता विजेता में अभिषेक पांडे कबीरधाम से विजेता हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को मौका दिया था, युवाओं को मौका देकर एक इतिहास रचा। तो 27 राज्यों में 27 शैडो कलेक्टर चुने गए और उन्हें 27 राज्यों में भेजा गया कारोबार संभालने के लिए। उसी प्रतियोगिता में अभिषेक पांडे कबीरधाम से विजय। तो शैडो कलेक्टर प्रतियोगिता विजय बने हैं अभिषेक पांडे। तो बता दें आपको रेशमा साहू धमतरी से बनी है और संदीप कुमार कांकेर से विजेता हुए हैं। तो कार्यक्रम आयोजक दांग सिंह दिवंगत हमसे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दांग सिंह दिवंगत जी, यहां पर शैडो कलेक्टर विजेता हुए हैं अभिषेक पांडे और कई क्षेत्रों से चुने गए हैं, क्या कुछ कहना, किस आधार पर चुने गए? अपन ने 27 जिलों पे इनको एक दिन के शैडो कलेक्टर के रूप में भेजा था और हमने कहा था कि वो दिन भर कलेक्टर कैसे काम करता है, प्रशासन कैसे काम करता है, समस्याएं क्या हैं जिले की, उसकी स्ट्रेंथ क्या है उस जिले की, और अगर वो एक दिन के कलेक्टर होते तो उन समस्याओं का निदान कैसे करते, उसका उपाय वो कैसे करते। अगर वो एक दिन के कलेक्टर सही में होते तो एक क्रिएट करना था उनको कि भी इसके अलावा उनको जनदर्शन में भी हमने भेजा था, टीएल मीटिंग भी होती है वहां भी भेजा था, वहां भी बहुत सारी जन समस्याएं, लोकल जन समस्याएं थी, वो उनके सामने आना था, वो आया, उसके उस समस्याओं को लेकर वो एक कलेक्टर होते तो उनका समाधान कैसे करते, ये अपन ने बताया था। इसके अलावा ये भी कहा था उनसे कि अगर उपलब्ध संसाधन, जो भी उस समय उपलब्ध संसाधन है उस जिले में, उसका उपयोग करते हुए उस जिले को देश के सर्वोच्च स्थान पर कैसे पहुंचाना चाहिए, आप रहते कलेक्टर तो आप क्या करते, क्या कार्य योजना बनाते, क्या आपकी माइंड में चल रहा है, इन सबको लेकर 3 मिनट का वीडियो बनाना था। इसी आधार पर उनका चुनाव किया गया जी। एक अनोखी पहल है दान सिंह, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मौका दिया उन छात्रों को, तो कितना उत्साहवर्धन छात्राओं के लिए होगा ये? जी, ये देश में पहली बार ये छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रयोग हुआ है और ये केवल 27 कलेक्टर नहीं थे, इसके पीछे कहीं ना कहीं 27 लाख युवा है उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय था कि फिल्मों में ऐसा कुछ होता है पर रियल लाइफ में किसी को कलेक्टर या इस प्रकार का चीज बनाया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। तो इसमें छत्तीसगढ़ में उत्साह का संचार है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है युवाओं को लेके चलना चाहती है। जनरली युवा जो है वो सरकार के अगेंस्ट में रहती है, शासन प्रशासन के अगेंस्ट में रहती है, लेकिन पहली बार डॉक्टर रमन सिंह जी की सोच है कि हम अगर सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो विकास करना चाहती है, युवाओं को साथ में लेके विकास करना चाहती है, कि सरकार कैसे काम करती है युवा भी समझे, ये उनकी सोच रही है जी।
इस तरीके से प्रदेश में 27 जिलों के लिए कलेक्टर चुने गए, क्या आगे भी ऐसी भी मुहिम देखी जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरुआत है। ये हम छत्तीसगढ़ में युवाओं को लेकर हम आगे छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी इच्छा है कि युवा जो है युवाओं के हाथों में होनी चाहिए बागडोर छत्तीसगढ़ की, तो उस लिहाज से एक शुरुआत है जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा स्तर देखने को मिला है, उन छात्राओं के लिए हौसला अफजाई भी होगी। जी बिल्कुल, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 27 जिले के जो कलेक्टर फेडो कलेक्टर बने थे उनमें से 12 छात्राएं थी, अपने आप में एक मात्र शक्ति का, एक महिलाओं का सशक्तिकरण का एक उदाहरण हमको देखने को मिला है कि उनमें से 12 महिलाएं थी, 12 छात्राएं थी जिन्होंने कलेक्टर फेडो कलेक्टर के रूप में दिन बिताया है। तो ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है जी। वाकई जिस तरीके से छात्र तैयारी करने में जुटे होते हैं, उन्हें डीएम बनना है, उन्हें इस तरीके के सपने वो देखते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं उन्हें मौका दिया और पूरी तरीके से उन्हें उन्होंने उभर के दिखाया, काम किया। तो क्या कुछ कहना उन छात्रों के लिए? जी मैं बस यही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की युवा किसी से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ भले हमको पहले पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के राज्यों में, राज्य शासन काल में आज वो स्थिति है कि हम देश में एक नाम है, देश में एक छत्तीसगढ़ का नाम होने लगा है। तो यहाँ के युवा किसी भी मामले में कम नहीं है, वो हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से भी देखा। और उत्साह है, वो क्रिएटिविटी करना चाहता है, उनको कुछ काम चाहिए, उनको कुछ क्रिएशन चाहिए, और अगर वो आप कुछ करके देते हैं उनके लिए तो वो हाथों हाथ लेते हैं। ये हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझ में आया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये सोच है कि युवाओं को जोड़ के हम देश का विकास करेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दान सिंह हमसे जुड़ने के लिए और इस पर अपने सुझाव और जानकारी देने के लिए। तो कार्यक्रम आयोजक दान सिंह दिवंगत जी हमसे जुड़े थे और जानकारी दे रहे थे। तो रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, मुंगेली की तस्वीर, रायगढ़ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और इस बीच संदीप कुमार द्विवेदी जुड़ गए हैं कांकेर से, जो विजेता हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी दर्शक हैं सबसे धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मुबारकबाद हो आपकी साधना न्यूज की टीम की तरफ से। और किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रही है कि मैं अपने कांकेर जिला को छत्तीसगढ़ स्तर पे एक पहचान दिलाने में छोटा सा प्रयास किया और उसमें कुछ हद तक मैं सफल हुआ, बहुत खुशी हो रही है। चलिए, ये एक अनोखी पहल है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, तो ये प्रतियोगिता किस तरीके से देखते हैं आप? संदीप जी, संदीप सुन पा रहे मुझे? जिला की समस्याओं को महाविद्यालय स्तर पर ही पहचान सकें और हमारे थ्रू जितने भी हमारे महाविद्यालय के और स्कूलों के विद्यार्थी हैं वो भी कुछ सीखेंगे और वो भी समस्याओं को ध्यान रखेंगे, अपने जिलाओं के और सामने रखेंगे। एक सुनहरा पहल है कि हम अपने जिला का समस्या सामने लाके उनकी अच्छाइयों एवं कमियों को सामने हम लोग स्पष्ट रूप से रख पा रहे हैं। संदीप, आप विजेता रहे, किस तरीके से आपने तैयारियां की थी इस प्रतियोगिता के लिए? इसमें तैयारियां करने के ज्यादा मौके नहीं थे, शाम को हमको लिंक दिया जाता था और सुबह हम लोगों का ये कार्यक्रम चलता था। लेकिन हाँ, कुछ अपने लोकल जो भी जानकारियां थी छत्तीसगढ़ से उससे मैं हमेशा आउट ऑफ टच रहता था, उसका मेरे को सहायता मिला। संदीप, क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक दिन के लिए कलेक्टर बनाए जाएंगे और उसमें आपने भाग लिया जिस तरीके से और आप विजेता हुए? ये तो अनिल कपूर जी ही स्क्रिप्ट पढ़ के, जैसे उनको कुछ दिन पहले पता होगा कि वो मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बन रहे थे, हमको तो शाम को पता चला कि हम सुबह के लिए कलेक्टर बन रहे। अमेजिंग था ये पूरे हमारे लिए। संदीप, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली थी, ये पदभार कोई हल्का काम नहीं है, ये भारी जिम्मेदारी होती, किस तरीके से आपने मैनेज किया संदीप कुमार?
पहली बार पता चला, एक आम आदमी था तो ये पता था कि प्रशासन स्तर के अधिकारी हमारे लिए काम नहीं करते हैं और हम उनसे आक्रोश करते थे, लेकिन पहली बार जीवन में अनुभव हुआ कि उनके ऊपर भी बहुत सारे जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करते हुए हमको यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बनाना है, और उसको अनुभव किया। उसके बाद पता चला कि नहीं, सिस्टम में बहुत सारे चीज के परिवर्तन की भी जरूरत होती है और कुछ उसके नियम कानून है जिनके तहत हम बाहर नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप कुमार द्विवेदी जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच कबीर धाम से अभिषेक पांडे विजेता जुड़ गए हैं। स्वागत है साधना न्यूज में जी। थैंक यू। आप प्रथम विजेता है, कैसा महसूस हो रहा है जी? बहुत अच्छा है ये जानकारी लेकर के। प्रशासनिक क्षेत्र में एक दिन के काम करने का जो अनुभव में हमको मिला या प्रशासनिक क्षेत्र में जो जाने का हमारा सपना था वो पूरे होने के कगार पर है। अंदर से आत्मबल पैदा हुआ कि पूरे प्रदेश में हमें प्रथम स्थान दिया गया है जी। अभिषेक जी, जिस तरीके से सरकार की ये पहल रही, ये मुहिम रही, कैसे आप इसको देखते हैं, जिस तरीके से युवाओं को सरकार से जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया गया? नहीं, बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि युवा अगर कोई सपना देखता है कि वो शासकीय जॉब में जाए तो वो बाहर की तैयारी करता है, लेकिन वो जब एक कलेक्टर से मुलाकात करता है तो उसे बहुत कम समय में प्रशासनिक क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की दूरगामी जो योजना है बहुत अच्छी है और इससे आने वाले समय में और युवाओं को तैयारी में प्रशासनिक क्षेत्र में जाने में बहुत बेनिफिट और प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी अभिषेक, किस तरीके से आपने तैयारी की? जी, मैंने अपने पूर्व अनुभव के आधार पर और कुछ प्रशासनिक क्षेत्र के जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मैं जानकारी ली और मैंने एक कलेक्टर को पहले अनुभव के आधार पर दिया कि आप कैसे काम करते हैं, मुझे किस तरह काम करना चाहिए, और मैंने अपने कम समय में अधिक से अधिक कुछ सामाजिक गतिविधि, जैसे मैंने राष्ट्रगान पारित करवाया अपने जिले में कि आप सभी प्रशासनिक क्षेत्र में आप राष्ट्रगान करिए, और मैंने पूरी रूप से समझने का प्रयास किया कि कलेक्टर कितनी गंभीरता से काम करता है, उसके ऊपर प्रत्येक योजना और प्रत्येक प्रशासनिक काम का कितना दबाव रहता है, उसमें मैंने अपने उसके निष्पादन और निवारण करने का काम किया जी। एक दिन के लिए आप कलेक्टर बनाए गए थे, कौन सी उस दौरान दिक्कतें आई और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभिषेक पांडे? उसमें बहुत एक्सपीरियंस रहा, यह अनुभव रहा था कि हम सही में क्या कलेक्टर बन गए हैं क्या, और अधिकारियों के बीच चर्चा सुन के ऐसा लग रहा था कि बहुत गंभीर मुद्दों पर कलेक्टर काम करते हैं, उनके भाव बहुत गंभीर रहते हैं, और हमें अंदर से आत्मबल आ रहा था कि इनके बीच काम करके हम भी समाज सेवा राष्ट्र सेवा के लिए अच्छी से पढ़ाई करके भविष्य में अपना समय दे सकते हैं, ऐसा अंदर से आत्मबल और अनुभव आया जी। इस पहल के बाद, इस मुहिम के बाद आपका क्या कुछ कहना है सरकार के लिए? मेरा कहना सरकार से है कि इस प्रतियोगिताओं को प्रत्येक साल कराया जाए ताकि हमारे जैसे प्रत्येक जो प्रशासनिक क्षेत्र में भविष्य में जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट को फायदा हो सके, और केवल एक ही नहीं, अन्य प्रकार से और करियर मार्गदर्शन के माध्यम से और कंपटीशन, केवल कलेक्टर नहीं अन्य पदों पर भी अगर इच्छुक व्यक्ति जाना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग क्षेत्र में कॉम्पिटिशन कराने की आवश्यकता है। होता है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी कोई चीज बनना है तो उसको अगर पहले बना दिया जाए तो वो मेहनत करने के लिए उसमें जिज्ञासु हो जाता है। तो बहुत बड़ी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, आगामी ऐसी और तैयारी करके अच्छे से अच्छे कॉम्पिटिशन कराने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, और साधना न्यूज की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो अभिषेक पांडे प्रथम विजेता कबीरधाम से जुड़े थे, अपनी एक्सपीरियंस अपने यहाँ पर जो उस बीच हुआ, जो महसूस कर रहे हैं, उस सारी बातों को साधना न्यूज के साथ साझा कर रहे थे। तो हम आपको रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, मुंगेली, रायगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर उन प्रतिभागियों में से विजेता चुने गए हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर रमन सिंह, जहां पर ई जन दर्शन प्रसारण कर रहे हैं। थोड़ा महत्वपूर्ण है जो पहला प्रस्तुत किया था, वहां भी बच्चों को विकसित करना उनका है और वो भविष्य का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। जैसे ये सड़क का काम पूरा हो जाएगा तो अपने आप में एक बड़ा व्यवसाय, उसके लिए एक विस्तार या तो बनाने भेजो या फिर उसको विशेष सूचित करना देखते हैं। कलेक्टर ने कहा कि डीएमएस और बढ़ा जाएगा, 28 करोड़ और आने वाला है।
एक अच्छा बस स्टैंड बनवाइए वहां पर फर्स्ट क्लास सभी लोग की मांग है। बहुत बहुत बढ़िया चलिए अध्यक्ष जी से बात कराइए पहले। हाँ जी भागवत जी बोलिए। हाँ बहुत बहुत बधाई नए साल की शुभकामना आपको भी। बताइए क्या क्या आपके मांग रखे हैं बताइए।